हेलो गाइस, तो क्या सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मलेशिया के हालात कैसे हैं और मलेशिया के वीज़े से रिलेटेड बात करेंगे कि मलेशिया का वीज़ा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो, जो भाई ट्रैवल वीज़े पे मलेशिया में आए हुए, जो पुराने हो गए हैं, उनको काम मिल रहा है। चाहे वो एज ए पार्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन काम अभी खुल गए मलेशिया के अंदर। ओटी वगैरह लगनी स्टार्ट हो गई फैक्ट्री कंपनियों के अंदर, क्योंकि मैं भी जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर भी ओटी स्टार्ट हो गई है। मेरे आसपास जितनी फैक्ट्री कंपनियाँ हैं वहाँ पर सब में ओटी लगनी स्टार्ट हो गई है। तो धीरे धीरे मलेशिया के अंदर अब काम खुल रहे हैं, लेकिन जो भाई नए आएंगे ना ट्रैवल वीजे पे, उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वो छोटा मोटा काम कर सकते हैं एज ए पार्ट टाइम। और कुछ भाइयों की कमेंट आई हुई है, वो भाई पूछ रहे हैं कि आउट पास कब ओपन होगा। देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जब मलेशियन गवर्नमेंट ने रिहायरिंग प्रोग्राम ओपन किया था, जो भाई मलेशिया के अंदर इलीगल है उनके लिए वीज़ा लगवाने के लिए स्कीम निकाली थी, तो इसीलिए जब तक उसकी डेट ख़त्म नहीं हो जाती, उसकी डेट है 31 दिसंबर, ये लास्ट ईयर है, मतलब ये जो दिसंबर का महीना है, 31 इसकी लास्ट डेट है रिसेलिब्रेशन प्रोग्राम की। उसके बाद जब 2024 स्टार्ट होएगा, उसमें आउट पास ओपन ये करेंगे, उसमें चांस है 2024 के अंदर, क्योंकि ये चाहते हैं, मतलब इस वक्त ऑपरेशन वगैरह चले हुए हैं, क्योंकि 2 महीने बाकी है, ताकि ये प्रेशर कर रहे बंदों के ऊपर जो इलीगल है, ताकि वो अपना वीज़ा किसी कंपनी में लगवा ले और वो लीगल हो जाए। इसलिए हर जगह ऑपरेशन चली हुई है। तो जो भी भाई मलेशिया के अंदर जिनके पास वीज़ा नहीं है, वो ज़्यादा बाहर नहीं घूमे। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते, आपके पास पेपर वगैरह आ जाते, फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप अभी तक आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो आप करवा ले, आप लीगल हो जाए, फिर आप जहाँ मर्जी जाए घूमे फिरे काम करें, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त ऑपरेशन चली हुई, आपको ही पता होगा जो भाई मलेशिया के अंदर है, और ख़ासकर जो न्यू ट्रैवल वीजे पे आएंगे काम करने के लिए, उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो एज ए पार्ट टाइम छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं। और मलेशिया की वीजे से बात करें, जैसे पीछे मलेशियन गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि 6 लाख लोग यहाँ पर लेंगे, क्योंकि अभी वर्कर की शॉर्टेज है। देखो, मैं आपको बता दें, वर्कर की कोई भी शॉर्टेज नहीं मलेशिया के अंदर, इस वक्त फुल वर्कर है। लेकिन थोड़े बहुत, मतलब 15 से 20 हज़ार वर्कर इनको चाहिए अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे जो सुनार का काम करते हैं, बार्बर का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं, या फिर प्लांटेशन में इनको कुछ वर्कर चाहिए, लेकिन 6 लाख आदमी नहीं चाहिए। ये खाली वैसे अनाउंस किया, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी वीज़ा नहीं दे रहे किसी भी कंट्री को। तो अगर आपको आना है, आप किसी कंपनी में लीगल तरीके से आए, ना कि आप ट्रैवल वीजे पे आए, या अगर आपको काम करना मलेशिया के अंदर, क्योंकि मलेशिया के अंदर अगर आप आ जाते हैं ट्रैवल वीजे पे, तो आप समझ ले आप यहाँ पर फंस जाएंगे अगर आपने वर्क वीज़ा नहीं लगवाया, क्योंकि अभी तो रिहायरिंग प्रोग्राम ओपन है, बाद में बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर वीज़ा लगना मुश्किल हो जाएगा। और जो भाई मतलब इलीगल हो जाते हैं, उनके लिए जाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो स्पेशल पास की जो फीस है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जिन भाइयों के पास काम नहीं होता, वो अफोर्ड नहीं कर पाते उसकी फीस। एक तो 1000-1200 रिंगिट की तो टिकट होती है इंडिया की, जैसे जो दिल्ली पंजाब साइड से जो लोग हैं यहाँ पर जो इलीगल है, वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो उनके पास काम नहीं है, फिर स्पेशल पास की फीस, जैसे 1 साल से अगर आप ज़्यादा इलीगल है मलेशिया में, तो 2100 से 3100 रिंगिट आपको पे करना है। उसके बाद फिर आपने टिकट बुक करवानी, मतलब 4-5 हज़ार रिंगिट आपकी जेब में होने चाहिए, तब आप वापस जा सकते हैं। लेकिन जो भाई मतलब स्पेशल पास नहीं लगवा रहे, वो वेट कर रहे हैं कि आउट पास कब ओपन होगा। आउट पास की फीस मैं आपको बता देता हूँ, 500 से 700 रिंगिट होती है, जो कि उसके अलावा फिर आपकी टिकट होती है, 1500-2000 में आपका काम हो जाता है। क्योंकि 2023 तक तो इनकी रिहायरिंग सेलिब्रेशन का प्रोग्राम जो चला हुआ है, उसकी डेट जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये आउट पास ओपन नहीं करेंगे। 2024 में आउट पास ओपन होगा, तब आप जा सकते हैं। अगर आपके पास मतलब ओरिजिनल पासपोर्ट है और आप रहना चाहते, काम करना चाहते, तो आप किसी कंपनी में वीज़ा अप्लाई करके आप काम कर सकते हैं, आप लीगल हो जाए, ना कि आप इलीगल रहे। और मलेशिया में जो लेबर कैटेगरी में वर्कर काम करते हैं, वो मैक्सिमम कितना कमा लेते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जो फैक्ट्री लाइन में काम करते हैं, वो 3000 से 3500 रिंगिट महीना कमा लेते हैं, अगर ओवर टाइम लगा हुआ है जिन कंपनियों में काम करते हैं। अगर ओवर टाइम नहीं है, 1500 से 2000 रिंगिट वो आराम से कमा सकते हैं।
अदरवाइज जैसे जो रेस्टोरेंट लाइन में काम करते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं, मतलब किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हैं, अगर वो अंडर कंपनी आए हुए हैं तो वो आराम से 1500 रिंगिट बचा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास आपका खुद का वीज़ा है, मतलब आप किसी कंपनी का अपने वीज़ा लगवाया हुआ है और आप कहीं बाहर काम करते हैं, तो आप वहाँ पर ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन वो एक इलीगल तरीका होता है। अगर आप कहीं पर काम करते पकड़े जाते हैं, उसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो मैं तो आपको ये मशवरा देगा, अगर आप जिस भी कंपनी का वीज़ा लगवाते हैं ना, उसी कंपनी में काम करें, ना कि आप किसी और दूसरी कंपनी में काम करें। और अगर आप मलेशिया में आ रहे हैं वर्क वीज़े पे, तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आए, अगर आप कोई काम जानते हैं कंस्ट्रक्शन में, आप अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरी फील्ड में नहीं आए, जैसे रेस्टोरेंट लाइन हुई या प्लांटेशन हुई, तो इन फील्ड में आप नहीं आए। अगर इन फील्ड में आएंगे आप 1500 से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते महीने के, 1500 रिंगिट से ज़्यादा नहीं कमा सकते। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं, आप कारीगर बंदे हैं, अगर आप लेबर कैटेगरी में भी काम करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में, आप 3000 रिंगिट महीने का कमा लेंगे, तो वो आपके ऊपर है आप किस कंपनी में आ रहे हैं। मेरा तो मशवरा यही है, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आए अगर आपको मलेशिया में काम करना है, अदरवाइज आप ट्रैवल वीजे पर नहीं आए। अगर आप ट्रैवल वीजे पर आएंगे तो आप यहाँ पर आकर फंस जाएंगे। तो गाइस, ऐसा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।